नमस्कार अगले टाइम से करें आप और मैं हूँ आपके साथ सिद्धार्थ चंद्र जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार जिस तरह से कल आपको बता दूँ कि पठानकोट में एक स्थानीय महिला द्वारा सस्पेक्ट देखे गए और उसके बाद से लोग पंजाब में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। उसके साथ ही साथ अगर बात करूँ तो जो पंजाब के साथ लगती जितनी भी सीमाएँ हैं उन पर भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया और इसके बाद आप बता दें कि समय जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हाई अलर्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और आपको एक बार फिर बता दूँ लखनपुर से आप तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाई अलर्ट को जो है वो जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर चूक ना जो है सिक्योरिटी में हो पाए, ताकि क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि कल पठानकोट में जो है एक स्थानीय महिला द्वारा एक सस्पेक्ट को जो है वो देखा गया था और जिसके बाद पंजाब पुलिस ने एक स्केच भी जारी किया है और जिसके बाद पता लगाया जा सके कि वो लोग जो है वो कौन थे और कहाँ को जो है वो चले गए हैं। जिसके बाद से पंजाब में जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद बताते चलूँ आपको कि जो भी पंजाब से सीमाएं लगती हैं, पंजाब से सीमाएं सटती हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस समय की तस्वीरें आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो जो है इस समय तैनात है और हर एक वाहन की जो है वो चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी वाहन यहाँ से बिना चेकिंग के जो है वो ना जा पाए और किसी भी प्रकार की यहाँ पर सिक्योरिटी में चूक जो है वो ना देखी जाए, जिसके बाद से हाई अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है और लगातार यहाँ पर जो है वो चेकिंग जो है वो की जा रही है ताकि यहाँ पर जिस तरह से हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, इनपुट जो है कि यहाँ से जो है वो कुछ मूवमेंट जो है वो हो सकती है, जिसके बाद से आपको बता दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लखनपुर में तैनात हैं और लगातार जो है वो चेकिंग जो है वो हर एक वाहन की यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो है वो लखनपुर से देख रहे हैं। हर एक वाहन की जो है वो चेकिंग की जा रही है, आपको बता दूं। और जिस तरह से यहाँ पर आपको बता दूं कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो हर एक वाहन की जो है वो चेकिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की चूक जो है वो ना हो पाए। एक बार फिर आपको बता दूं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो कठुआ के दूरदराज इलाके बदनोता में जो है वो आतंकियों ने जो है वो घात लगाकर हमला किया था और जिसके बाद हमारे 5 जवान जो है उसमें जिनकी शहादत हो गई थी। और बात करूँ तो हमारे अब तक जो है वो कई जवान जो है वो शहादत पा चुके हैं, जिसके बाद लगातार जम्मू खीते को दहलाने की कोशिश जो है वो घुसपैठियों द्वारा जारी है। एक बार फिर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को दहलाने की जिस तरह से कोशिश जो है वो घुसपैठियों द्वारा जारी है और लगातार जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में शहादत जो है वो जवानों की हो रही है, जिसकी कड़ी को लेकर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जो है वो चेकिंग जो है वो चल रही है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर इस समय हाई अलर्ट पर है, जम्मू सूबे को लगातार दहलाने की कोशिश जो है वो जारी है और हालांकि आपको बता दूं कि जवाबी कार्रवाई भी जो है वो हमारे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज उनके द्वारा जो है वो की जा रही है, मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर बात करूं तो अभी इस समय की ताजा तस्वीरें जो है आप जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग लखनपुर से देख रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है। जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जो है यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और हर एक वाहन की जो है वो चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी यहाँ पर चूक जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से हो ना पाए। और बता दूँ कि
हर एक वाहन की जो है वो चेकिंग की जा रही है, किसी भी वाहन को बिना चेकिंग के यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तत्पर हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बताऊं तो कोई भी चूक जो है वो ना होने पाए। जिस तरह से आपको पता है कि कल पठानकोट में एक स्थानीय महिला द्वारा संदिग्ध को देखा गया, जिसके बाद पठानकोट पुलिस ने एक स्केच जारी किया और उसके बाद से ही पठानकोट की जितनी भी सीमाएँ लगती हैं, अंतर्राज्यीय सीमाएँ लगती हैं, उन पर जो है वो जो है वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर बात करें तो पंजाब से सटा इलाका जम्मू कश्मीर है, इसके बॉर्डर पर लखनपुर में जो है वो हाई अलर्ट जारी है और यहाँ पर चेकिंग जो है वो इस समय चल रही है। चेकिंग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। उसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रत्येक वाहन की जो है वो जाँच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि वाहन जो है वो कतारों में लग चुके हैं, लाइन जो है वो लंबी होती जा रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है तत्पर हैं। आपको बता दूं हर एक वाहन की जो है वो चेकिंग की जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं। पूरे जिस तरह से एक कड़ा मुकाबला जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बात करें, CSF की बात करें, आर्मी के जवानों की बात करें या CRPF के जवानों की बात करें, तो हर एक प्रत्येक जो हमारे जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और मौके पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही जो हैं वो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हर एक प्रत्येक वाहन की जो है वो बड़ी बात आपको बता दूं कि लोगों का भी जो है इसमें पूरा सपोर्ट रह रहा है। लोगों का भी कहना है कि ये चेकिंग जो है ये हमारे लिए है और लोग भी जो है वो पूरा सहयोग जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का कर रहे हैं इसमें और बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ जो है यहाँ पर चेकिंग जो है वो करवाई जा रही है। जितने भी यहाँ पर वाहन चालक हैं, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमारे लिए जो है ये सारे चीज़ें हैं, पूरे कॉपरेशन के साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पूरा कॉपरेट जो है वो लोगों का भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों में आपको बता दूं कि बिल्कुल स्मूथली जो है कॉपरेशन के साथ है जो ये पूरी चेकिंग जो है वो चल रही है। और आपको एक बार फिर बता दूं, तस्वीरें जम्मू कश्मीर से के लखनपुर से आप देख रहे हैं कि
कितना कोऑपरेशन जो है वो लोगों का इसमें मिल रहा है, और लोग जो है वो बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ यहाँ पर चेकिंग करवा रहे हैं। आपको एक बार फिर बताने का प्रयास करूँगा, बीती शाम पंजाब में एक स्थानीय महिला द्वारा संदिग्धों के देखे जाने के बाद हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और बात करूं जम्मू कश्मीर के लखनपुर की, तो लखनपुर जो है वो पंजाब से सटा इलाका है, पंजाब के साथ इसका बॉर्डर जो है वो लगता है, जिसके बाद से ही लगातार यहां पर चेकिंग जो है वो की जा रही है ताकि कोई भी सुरक्षा में जो है वो कमी आ ना पाए। और यहां पर अब एक बड़ी बात आपको बता दूं कि हाई अलर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में अब भी जारी है, और हालांकि कोई भी यहां पर फिलहाल तौर पर अगर बात करूं तो किसी प्रकार की गाइडलाइन निकाली गई, जो कि आपको बता दूं जिस तरह से रूमर्स जो है वो फैलाए जा रहे थे कि जिस तरह से यहां पर जो है वो हाई अलर्ट जारी था, कोई भी शाम को जो है लोग बाहर ना निकलें या कुछ काम हो तभी निकलें, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लोगों को डरने की कोई भी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सशक्त है और तैयार है किसी भी ऐसी बड़ी जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं इनसे निपटने के लिए, तो आम जनमानस को जो है वो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि उनके सहयोग की जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर आर स्वैन ने जब बयान दिया था, जब कठुआ जिला में पहुंचे थे, उन्होंने कहा था आम जनता को बस हमारा सपोर्ट करना है, अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है तो हमें जो है वो आप नजदीकी पुलिस चौकी में, नजदीकी पुलिस थाने में जो है वो इसकी सूचना दें, बाकी जो है किसी भी आम जनमानस को जो है घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपनी सेवाएं जो है वो लगातार दे रही है और इन घटनाओं से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैयार है। ठीक है।